हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। आज अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट में हमने कुछ कुछ डेरिवेशंस कर लिए हैं, ठीक है, और ऐसा है कि उनको दोबारा से करना बहुत ही ज़रूरी है। कम से कम दो दो बार सारी लिखनी चाहिए आपको, ठीक है ना। और वो असाइनमेंट भी मान सकते हो उसको तुम, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद, इस वीडियो के बाद मैं वीडियो बनाऊँगा डाउट्स की, ठीक है। डाउट्स तुम्हारे आए नहीं है मेरे पास, ठीक है। देखो, जिसको पब्लिकली ग्रुप पे बताने में शर्म आती है, पर्सनल मैसेज कर सकते हो, ठीक है। उस पर पर्सनल मैसेज हो जाता है, नहीं होता तो व्हाट्सएप पे कर सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम मेरे को बताओगे नहीं तो मेरे को पता नहीं लगेगा, ठीक है। एंड वीडियोस में क्या है ना कि पता नहीं लगता है, तुम्हारे एक्सप्रेशन नहीं दिखते ना, ठीक है। तो मेरे को समझ नहीं आता कि तुम्हें कितना समझ आया, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर कनेक्टेड रहोगे, बताते रहोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखो, इसके बाद जो अपनी डेरिवेशन है, ठीक है, वो है रिंग की, ठीक है भाई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ठीक है। रिंग के पास चार्ज है, तो अपने पास एक गोल रिंग है, ऐसे रिंग तो गोल ही होती है। आर रेडियस है लेट्स से, और इस पे टोटल क्यू चार्ज है। एंड क्यू चार्ज क्या बोल रखा है ना कि सिमिट्रिकली डिवाइडेड है, सिमिट्रिकली डिवाइडेड है इस पे हर जगह। मीन्स क्या है कि हर जगह इक्वल इक्वल सा ही चार्ज है, ठीक है भाई। अब देखो, सबसे पहला बात, सबसे पहला सवाल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर बताना अपने को, ठीक है। बताओगे, देख रहे हो, कुछ समझ आ रहा है, ठीक है, सिंपल ही है। क्या करेंगे भाई, डी क्यू डी क्यू डी क्यू में तोड़ेंगे इसको। देखो काम की बात, यहां पे एक डी क्यू आया लेट से, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई इस तरफ आएगा, और इसके डायमेट्रिकली अपोजिट जो डी क्यू होगा उसका कहाँ होगा, उसका इसके बिल्कुल अपोजिट होगा डी। तो ये डी ई और ये डी ई उड़ गए, सिंपल। अब दूसरा डी क्यू यहाँ कंसिडर कर लो, एक यहाँ करोगे तो इसका डी ई इस तरफ होगा, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट डी क्यू कंसिडर करोगे उसका डी ई इस तरफ होगा, तो ये डी ई काट देगा। तो कोई भी डी ई अगर आएगा, लेट्स से इस तरफ एक डी ई आया, तो उसका ऑपोजिट डी ई भी पक्का आएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो कुछ कैसा दिख रहा है कि सेंटर पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल डी ई है। अगर हम डी क्यू इक्वल तक काटते हैं, रिंग को डी क्यू में इक्वल काटते हैं, तो ये सारे वैक्टर्स डी ई डी ई है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक है, तो इनका सम क्या होगा, जीरो। बात क्लियर, ठीक है। अच्छा, ऐसे सिंपल सोच सकते हो कि भाई यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, उस पर बहुत सारे बंदे, मतलब चार बंदे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, या एक डब्बा है इस पर चार फोर्स ऐसे लगे, तो नेट फोर्स तो जीरो ही होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक फोर्सेस में जीरो होगा, तो भाई सेंटर पे कितना आया, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज जीरो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद तो दूसरा पॉइंट रिंग के अंदर अपने को सोचना है ना, वो पॉइंट कौन सा है उसको ध्यान से देखना एक बार, ठीक है। वो पॉइंट कहाँ है, इसके सेंटर से बाहर आ जाओ, सेंटर से बाहर आ जाओ यहाँ पे, ठीक बात। तो इस पॉइंट पे अब अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये कहाँ है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि भाई ये रिंग की एक्सिस पर है और कुछ दूरी पर है, सेंटर से कुछ दूरी पर है, रिंग की एक्सिस पर ही है ये पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है अपने को, ठीक है। तो सोच सकते हो किस तरफ होगा, जीरो होगा क्या, जीरो होगा क्या, चलो देखते हैं, ठीक है। तो अब अपने को लिखना है ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, एक्सिस पे लिखना है, ठीक है। तो इसको ना आराम से समझना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे कैसे एक रिंग कंसिडर कर ली, ठीक है। इस रिंग पे चार्ज है कुछ क्यू, टोटल क्यू चार्ज है, आर रेडियस है, ठीक है। इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, सेंटर से एक्स डिस्टेंस लेना है, रेडियस इसकी आर है, क्यू चार्ज, आर इसकी रेडियस, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर कोई एक डी कंसिडर करो, सबसे पहले ना इस तरफ एक डी कंसिडर कर लो, सॉरी डी क्यू एक इस तरफ कर लो, ठीक है, एक इस तरफ एक इस तरफ। इस डी क्यू की वजह से जो डी ई होगा वो ऐसे होगा, है ना, ऐसे ही आएगा, इसकी वजह से ऐसे होगा डी ई, सिंपल, ठीक है। तो अब एक, जैसे एक ये पेयर था, इस पेयर का सम जीरो हो गया था, ऐसे ही इसमें जो डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर लिया हमने, क्या उसका सम जीरो हो रहा है, जीरो कहाँ हो रहा है, इन दो का सम जीरो थोड़ी होगा,
इनका सम किस तरफ आएगा, किस तरफ आएगा भाई, सिमिट्रिक है, वाई एक्सिस में ही आएगा, खाली वाई में आएगा, ठीक बात है, ठीक है। तो डी क्यू लेना है, उसका डी ई करना है, और नेट डी ई वाई एक्सिस में आएगा इन दो की वजह से, बाकियों की वजह से देखते हैं, ठीक है, बाकियों की वजह से, ठीक है। यहाँ पे एक यहाँ डी क्यू कंसिडर करो, एक यहाँ डी क्यू कंसिडर करो, ठीक है। इस डी क्यू की वजह से जो डी ई होगा वो कुछ ऐसे, ठीक है, और इसकी वजह से जो होगा वो कुछ ऐसे, ठीक है। अच्छा, इनका एंगल तो कम दिख रहा है ना, पिछले डी का ज़्यादा था, इनका कम दिख रहा है ऐसे तो, बट ये फोटो 3D है, ठीक है, तो इसको घुमा के देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात देखो, ठीक है, अब देखो ये जो लाइनें हैं ना, ये सारी लाइनें कहाँ से कहाँ हैं, ये सारी लाइनें कहाँ से कहाँ हैं, रिंग के पॉइंट से इस पॉइंट तक हैं, रिंग के पॉइंट से इस पॉइंट तक हैं। अब इन सारी लाइनों को ही अगर ड्रॉ कर दें, सारी लाइनों को ही ऐसे ड्रॉ कर दें, तो एक कोन बन जाएगा, देख पा रहे हो, एक कोन होगा, ठीक बात है। अच्छा, अब उन लाइनों को अगर आगे एक्सटेंड कर दोगे, लाइनें आई, कोन बना, ठीक है, फिर आगे एक्सटेंड करोगे तो फिर कोन खुलने लग जाएगा, तो ये भी क्या बनेगा, ये ऊपर भी डी ई डी ई डी का भी क्या बनेगा, कोन जैसा ही बनेगा, एक बात क्लियर है, ठीक है। तो देखो ये डी ई डी ई डी भी कैसे होंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, कोन को थोड़ा अच्छा बनाओ तब अच्छा दिखेगा, ठीक बात, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट से शुरू किया, यहाँ आया, इस पॉइंट से शुरू किया, यहाँ आया, और ये जो डी ई हैं, ये जितने भी डी ई हैं, इन सब का एंड पॉइंट इस सर्कल पे ही है, क्योंकि डी ई डी ई की लेंथ सेम है, बात क्लियर। तो अब अपने को क्या करना है, अब अपने के पास क्या आएंगे भाई, जो ये पी पॉइंट हमने लिया, इस पॉइंट पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कोन में आ गया एक, ठीक है, कोनिकल शेप बन गई है, जितने भी डी ई डी ई डी ई हैं, ठीक है भाई। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, सोच सकते हैं, सोच सकते हैं क्या, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ होगा, इसी तरफ होगा, सिंपल। इन दो की वजह से कैसे आया था, वाई एक्सिस में ही आया था, तो इन दो की वजह से।